फोरम ऑफ उल्लासनगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पीतू सेठ राजवानी को 8 अगस्त जन्मदिन की कालानी परिवार व शुभचिंतकों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मोबाइल नंबर 9822021780। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर के जींस मार्केट के कुछ लोगों के चलते जींस मार्केट का नाम खराब होने की खबर टाउन दर्शन न्यूज ने गत दिनों दिखाई थी। शनिवार को तेलंगाना के व्यापारी अपने साथ हुए अन्याय को लेकर हिललाइन पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनकी बात सुनी गई पर शिकायत दर्ज नहीं हुई। हम आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से हम माल के लिए खरीदने को आया था यहाँ। अब एक दलाली मिला रास्ते में, वो लेके गए माल देने को। वो वहाँ खरीदा 1,40,000 माल। वो खरीदने के बाद हमारे को दूसरा माल भेज दिया, 200 रुपये वाला, 150 रुपये वाला। हम रेट लगाया 480 वाला, 450 वाला, वो लगाया तो 120 वाला, 70 रुपये वाला, 150 रुपये वाला माल भेज दिया हमको। उसी के बारे में बात करें तो हम नहीं आते, वैसा बोल दिया। मार्केट वाले सब बोले आप आए हो तो हम सब लोग सपोर्ट देगा बोल के बोले। तो यहाँ एक 2-3 सेठ लोग आके हमको सपोर्ट दिया और दूसरे सेठ लोग कोई भी नहीं आया। और राजू भाई और दिनेश भाई, ये दोनों तीनों आ गया हमारे पास, आके थोड़ा सपोर्ट दिया। ऐसे के पास थोड़ा कम्प्लेंट लिख आया, अभी साहब तो इंक्वायरी करेगा बोला। अच्छा, इस मामले में ये सुनाई दे रहा था कि आपके साथ जो धमकियों की भी बातचीत की जा रही थी। धमकी भी दिया था, कॉल करेगा तो क्या वो सेठ माल भेजता कि नहीं भेजता, कब भेजता माल बोले तो, और तो मैं भेजेगा नहीं तो क्या कर लेगा। हमको तो उम्मीद थोड़ा है, अभी सेठ लोग तो थोड़ा पकड़ के है। अभी सार भी बोला मैं इंसाफ दिलाएगा बोला, कुछ क्या होता है कल सुबह तक हम देखेंगे। इस मुद्दे पर ईमानदारी से जींस का कारोबार करने वाले व्यापारी भी तेलंगाना के व्यापारी के समर्थन में आगे आए। कुछ व्यापारियों ने यहां तक कहा कि अगर रविवार को तेलंगाना के व्यापारियों की अर्जी पर FIR दर्ज नहीं हुआ तो सब मिलकर बाजार बंद करेंगे। दादा, हम भी इन भाइयों के लिए अपना समय निकाल के कल अगर इनके जो अर्जी ये करके आए, कल FIR लॉन्च नहीं हुआ तो सब मिलके बाजार बंद करेंगे दादा। बिल्कुल, कल का दिन FIR होना ही चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए दादा, हमारा भी यही कहना है दादा। राजू भाई बताइए आप। आज बहुत दिनों से हमारे तेलंगाना के व्यापारी है तो बहुत समय से वो परेशान थे। उनको माल 15-20 दिन से, मतलब 1-2 महीने पहले की बात है, तो पार्सल जाता है तुरंत तो तुरंत दूसरे तीसरे दिन एलआर मिलता है। तो इनको 15-20 दिन से माल आया ही नहीं। तो सामने वाला एलआर नंबर मांग रहा था तो इन्होंने एलआर नंबर नहीं दिया। एक्चुअली उनको माल भेजा ही नहीं, उधर माल भेजा नहीं, कुछ नहीं, खाली फोन पे हाँ अभी गए। तो ये एक बार खुद ही आके फिर उनको पूछा बाबा माल अभी तक गया क्यों नहीं, तो माल गया क्यों नहीं, तो ये बोलते अभी निकला है। एक्चुअली माल गया ही नहीं, उनका माल पहुंचा ही नहीं उधर। तो फिर माल गया ही नहीं उनका, तो बाद में इन्होंने पूछा पापा माल नहीं गया तो मेरे को मेरा अमाउंट दे दो। तो इनको ऐसे आगे पीछे करके ऐसा दिन निकाल रहे थे उन लोग। एक्चुअली इनको माल गया ही नहीं था इनका। तो फिर क्या किया उन लोग ने, इनको बोला माल गया अभी एलआर देता हूँ। तो इन लोग ने क्या किया, जो माल सेलेक्ट किया था वो माल उन लोगों ने भेजा ही नहीं। और भेजा है 100 वाला जींस, 120 वाला जींस भेजा है। और ये अभी उधर से माल वापस रिटर्न लेके आए। रिटर्न लेके आने के बाद इनका भी मुंह मारी हुआ, इनको गाली दिया, इनको धमकाया। तो उसके बाद तो ये क्या कि हमसे भी कोऑर्डिनेट करके व्यापारी से बात किया। उससे बात करने के बाद हम भी बोला हम तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इनके पहले भी इनका वीडियो वायरल हुआ है, हम मिलके ही सब फाइट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। व्यापारी पुलिस स्टेशन में जब गए थे तो कोई भी व्यापारी मंडल का अध्यक्ष या फिर कोई सदस्य जो था आपके अलावा पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं था। नहीं, वो पुलिस का कहना है कि एविडेंस नहीं है और इतने बड़े व्यापारियों की तादाद यहाँ। ये व्यापारी की यही समस्या है, देखो व्यापारी की यही समस्या है। कोई भी व्यापारी क्या सोचता है, क्या ये पुलिस स्टेशन में, अभी हम लोग भी 2-3 बार चोरी के केसेस में व्यापारी को लेके गए। तो व्यापारी कैसा है ये चीज मामले में ना थोड़ा आगे पीछे करता है। तो हम लोग ने भी देखा, अभी जिसका माल चोरी होता है तो वो टाइम नहीं दे पाता है। कभी कस्टमर आया, फोन करते हैं, चलो कस्टमर आया, तो कस्टमर व्यापारी के थ्रू वो हैंडल होता है। तो इसके वजह से व्यापारी भी आगे पीछे करता है। बाकी हमारे जो मंडल के जींस व्यापारी एसोसिएशन के दिनेश भाई और मैं, हमारे जो राजा भाई है, मतलब सब कोऑर्डिनेट, बंटी भाई भी हुआ, ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके करते।
अपन इधर कैसा है, दो एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन काम करती है, ऐसा कुछ नहीं करती है, पर दूसरे एसोसिएशन कुछ काम नहीं करते। नहीं, व्यापारी भी बटे हुए हैं, व्यापारी भी बटे हुए हैं, ऐसा कुछ बात नहीं। अच्छा, क्या मांगे अब? मांग हमारी यही मांग है, हमारा उल्लासनगर जो पहला था उल्लासनगर, आज वो उल्लासनगर हमको समझ, मतलब ये दलालों के वजह से वो पूरा व्यापार ठप हो गया। कौन दलाल है? दलाल किस प्रकार की दलाली की जाती है? दलाल मतलब ऐसे अपने रोड पे दूध नाका, 5 नंबर बस स्टॉप, अपना चाले मंदिर के इधर क्या करते हैं? उन लोग क्या करते है, उन लोग को गाड़ी पे बिठाते जबरदस्ती और उनको लालच देते, चलो आपको मैं सस्ता माल दिलाता हूँ। आप कितनी जूनी संगठन है, तो आप लोगों ने आज तक रोक नहीं लगाई उस पे? हमने बहुत टाइम बोला है उनको, हम भी क्या सोचते किसी के पेट पे लात नहीं लगनी चाहिए। व्यापारी क्या सोचता है, सबका पेट भरा रहे, तो इतने समय पे ये सब नहीं चढ़ रहा था, या अभी ज्यादा करके 8-9 महीने से ये ज्यादा होने लग गया। आज चलो हम भी सोचते हैं, चलो आज हम भी क्या सोचते हैं, 1-2 पैसा वो भी कमाए, पर वो आज इस तरह से पैसा कमा रहे क्योंकि आज हमारे व्यापारी तेलंगाना भाई लोग को उनका पैसा लेने के बाद भी उनको माल नहीं भेज रहे, तो किधर न किधर हम आज हमारे सभी व्यापारी, इस तरीके की घटना हुई है व्यापारियों के साथ, बहुत बार हुई है लेकिन सामने कोई आता नहीं। अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रेवल्स, मोबाइल नंबर 9763080315।